बिहार रेसिपी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को कढ़ाई पनीर बनाने की विधि बताऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम यहाँ लिए हैं 250 ग्राम पनीर है और ये एक मीडियम साइज का इस कट कर लिए हैं। शिमला मिर्च है और प्याज है 2 पीस, इसको भी हम चकोर तरीके से कट कर लिए हैं। ये मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे ये जीरा, काली मिर्च और गरम मसाला है, एक लाल मिर्च है। तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, जितना आपको पसंद हो। यहाँ हम दो हरी मिर्च है, 2 मीडियम साइज का टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, 1 मीडियम साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ, ये थोड़ा सा काजू है, हम इसको थोड़ा कूट लिए थे पहले ही, कुछ बनाना था तो हम उसी में कूट कर रखे थे, उसी का ये 1 चम्मच जो है ले लिए हैं। ऐसे आप 8 से 10 पीस काजू रख लीजिए। बारीक कटा हरा धनिया है। इन सभी चीज़ों से बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर बना के हम आपको दिखा रहे हैं। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को साइड में भून करके रख लेंगे। तो देखिए पनीर को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं, इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमें हल्का सा जो है अब मसाला भूनेंगे। तो देखिए पनीर फ्राई करने के बाद मसाला फ्राई करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले में हम खड़ा मसाला सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सभी चीज़ को डाल करके अच्छे से हल्का सा हम इसे, देखिए अदरक, लहसुन, प्याज और खड़ा मसाला को भून लिए हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर कटा हुआ और ये काजू, और अच्छे से इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। जल्दी सॉफ्ट होने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल करके इसको ढक के जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब प्याज टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इसमें आधी छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। अब मसाले को हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में ठंडा होने के बाद। इसका हमको बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालेंगे और इसमें जो प्याज और शिमला मिर्च रखे हैं उसको हम हल्का फ्राई करेंगे। प्याज को डाल करके हल्का सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हल्का फ्राई हो गया है, इसमें शिमला मिर्च डाल करके इसे भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जब तक हमारा शिमला मिर्च पक रहा है और प्याज, तब तक हम ये मसाला तैयार करते हैं। मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मिक्सी जार में 1/2 कप पानी डाल करके इसको बारीक पीस लेंगे। ये मसाला पीस के बिल्कुल रेडी है। इधर शिमला मिर्च और प्याज दोनों अच्छे से भुन गया है, इसमें हम मसाले को डाल करके अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मसाला भुन गया है, इसमें हम 1 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं, ये घर का है, मलाई का जो होता है। अब इसको अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे, मसाले में अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाले में अच्छा उबाल आ गया है, तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छे हम हाई फ्लेम पे भून लिए हैं। पहले भी मसाला भुना हुआ था, तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। मिक्सी का जार जो था उसमें मसाला लगाते हुआ था, उसी को धो करके हम डाल दिए हैं। आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उतना रख सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब एक उबाल आ जाए तो हम इसमें भुना हुआ पनीर डाल देंगे और उसको भी अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है, इसमें हम पनीर डाल करके और इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब देखिए हम पहले भी नमक डाले थे लेकिन अब थोड़ा सा और डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मसाला में भी डाले थे हम टमाटर के साथ, अब इसमें डाल दिए हैं, अपने ध्यान से डालिएगा, पहले भी डाला हुआ है। तो देखिए सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, बिल्कुल 1/2 छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सभी मसाले को हम पहले ही पीस चुके हैं। और इसमें बारीक कटा ढेर सारा हरा धनिया मिला देंगे। बहुत ही लाजवाब बनके कढ़ाई पनीर रेडी हुआ है। तो देखिए कढ़ाई पनीर बनके बिल्कुल रेडी है, इसको किसी भी पूड़ी पराठा
के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कढ़ाई पनीर की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।